हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू देवांजलि एकेडमी। हम अभी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के 2013 के पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, तो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। ये आपका पार्ट टू है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, जो पार्ट वन के नाम से है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव किस गैस में अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ता है। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण, क्योंकि वो खुले में एटमोसफेयर में रहता है, तो उस पर एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो उसी की वजह से उसका रंग थोड़ा सा येलोइस होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? डॉक्टर एस जे कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, भाला, मेघ, वर्षा, धुआं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो यह कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस को पूरा भी करना है आगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं। तो यदि किसी को लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से वीडियो को मॉडिफाई कर देंगे। और किसी को लगता है कि स्पीड कम है, ज़्यादा है, कम है, तो उसको बढ़ा भी देंगे। तो ये सब डिपेंड करता है आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। कहते ना, वो उसका कृतज्ञ है, यानी कि उसने उसकी हेल्प कर दी। किसी बंदे ने राम ने श्याम की हेल्प कर दी, तो जो श्याम है वो राम का कृतज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, अंश। तो ये आप तत्सम शब्द पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, कल्पक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जब हम बात करते हैं, चार दोस्त मिलकर बात करते हैं, तो कहते हैं भाई अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना क्यों बनना है? तो उसका मतलब है कि वो जो बंदा अपनी अपनी बढ़ाइयाँ अपने बारे में दूसरों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, तो उसे बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सभा अवधि होती है, राज्यसभा की सभा अवधि सदस्यता अवधि होती है 6 वर्ष। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी कि ये कभी भी इसके एक तिहाई सदस्य ही हर वर्ष रिटायर होते हैं और उतने ही ऐड कर लिए जाते हैं हर, तो उसी हिसाब से ये कभी भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा 5 साल के बाद में भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। देखा हुआ आज की डेट में ओजे पटेल जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और रिजर्व बैंक है, ये आपस में इनकी थोड़ा बहुत अनबन रहती है। उसका रीज़न यही है कि जो ब्याज के रेट हैं, बेस बैंकों के बेस रेट हैं, वो RBI कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको हिस्ट्री में मेन मेन क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। आप इसके लिए लूसेंट बुक का भी यूज कर सकते हो, बहुत ही डिसेंट, क्लियर एंड अच्छी बुक है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क में। आगे बढ़ते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान, ये उस टाइम का था जब 2013 में एग्जाम हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन उस समय का था
अब इस समय पे आपको करंट के हिसाब से आंसर देना है। जैसे मैं अभी की बात करूं तो आप यहाँ पर आएगा रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये जो नेम्स होते हैं संस्थाओं के, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो ये आपको करंट पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए करंट पर ध्यान रखना पड़ेगा और उस हिसाब से जवाब देना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये भी 2013 में थे, ये भी उस टाइम के थे, लेकिन अभी करंट में आपको जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस टाइम पे आपको प्रेजेंट के का ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना दाबुदली क्यों चर्चा में रही, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। ये क्वेश्चन मुझे कुछ आउट ऑफ सिलेबस लगता है, लेकिन हाँ आप जब इंटरनेशनल की बात करते हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, टॉनी एटम। ये भी उसी 2013 का है, तो आपको करंट में कहाँ का कौन प्राइम मिनिस्टर है ये याद कर ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंट्री का ध्यान रखो आप, जिस कंट्री से हमारे संबंध अच्छे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनका और जो चर्चा में रहते हैं उनका पता होना चाहिए। तेलंगाना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के ब्रिटेन से बनने वाला है, आंध्र प्रदेश से बनने वाला था उस समय, लेकिन अब बन चुका है, तो आंध्र प्रदेश अलग हो गया है, तेलंगाना अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर दिसंबर 2013 में निम्न में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे। ये क्वेश्चन आज के डेट में मायने नहीं रखता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्राणी सप्ताह पर दिवस कब से कब मनाया जाता है। ये 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अरे आपको याद रखने वाली बात यह है कि जितने भी सप्ताह होते हैं, ये वन्य प्राणी हुआ और ये स्वच्छ भारत वीक हुआ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार रिवाइज कर ले तो बेटर रहेगा एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देने में दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई। तो ये क्वेश्चन उस टाइम का था, 2013 का, इसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अभी, लेकिन हाँ ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप पनडुब्बियों के बारे में जरूर पढ़ लें, INS और ये जितने भी रॉकेट लॉन्चर होते हैं इनके बारे में जरूर पढ़ लें, इनसे क्वेश्चन वैसे आना ही आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट कैनगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है, श्रीनिवास रामानुजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताइए जिन्हें भारतीय संघ द्वारा सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा मिला था। तो भील एंड गेल को मिला था, 9 रत्न है ये, तो भील और गेल को उस समय पर मिला था, लेकिन आज की डेट में कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए। ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आज की डेट में तो कंपलसरी हो गई हर चीज़ के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंटली नियम के आधार पर कुछ मुख्य सेवाओं के लिए, यानी भारत सरकार से मिलने वाली सेवाओं के लिए इसका होना जरूरी है, बाकी के लिए आप अन्य पहचान पत्रों का भी उपयोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उसमें भी इम्पोर्टेंट था और अब इसका इम्पोर्टेंट और बढ़ गया है। किस शहर में 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे, टोक्यो में, जापान के में टोक्यो शहर है उसमें आयोजित किए जाएंगे। तो इसका महत्व इस समय पर भी है क्योंकि अभी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मे बी इस ईयर के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हो, तो उस टाइम पे इसका इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसकी कृति थी, ये हरिवंश राय बच्चन की कृति थी जो कि अमिताभ बच्चन के फादर थे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है, तो ये अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखना। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से 1000 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में 2013 में बादल फटे थे, लेकिन आज के डेट में इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी उत्तर प्रदेश में है कहाँ है,
तो ये मुरादाबाद में स्थित है। यूपी पुलिस अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये मुरादाबाद में। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? ये उस टाइम पे थे, हम आपको आज का याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें भी वर्तमान राज्यपाल कौन थे, ये भी उस टाइम का था। आपको आज की डेट के राज्यपाल पीएम सीएम इनका ध्यान रखना है, उनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।